उधर हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। नूह में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। नूह की सीमाओं को सील कर दिया गया है। आपको बताया हरियाणा के रेवाड़ी सोना समेत कई दूसरी जगह भी है जहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। उधर गुरुग्राम में एहतियातन स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूह में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नूह की जो सीमा है उसे भी अब सील कर दिया गया है। और वहीं हरियाणा के मेवात में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनावपूर्ण माहौल है। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया। कल हुई हिंसक झड़प में एक होमगार्ड की भी मौत हो गई थी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा में एक डीएसपी भी जख्मी हो गए। वहीं हिंसा में घायल हुए 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नूह में स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। नूह में इंटरनेट सेवा को किया गया बंद। नूह में धारा 144 लगाई गई। स्पीकर के जरिए लगातार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और उधर नूह जिले की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। नूह में चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिर्फ दूसरे जिले की जो पुलिस है उसे नूह में आने की इजाजत मिल रही है। साथ ही भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। नूह में धारा 144 लगाई गई है। जिले में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस पर रोक लगाई गई है। 2 अगस्त तक नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस का यह कहना है कि जरूरत पड़ी तो आगे भी इंटरनेट पर रोक जारी रहेगी। 3 दिन के लिए जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। धारा 144 जो है जिले में हमने लगा दी है। नूह जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया था। शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच आपसी टकराव हुआ और उसी के बाद हिंसा भड़क गई। टकराव के बीच लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की थी। उधर सोना में भी तनावपूर्ण हालात हैं। शाम होते होते नूह के एक बड़े इलाके में फैल गया और इससे पहले बताया गया कि वहां एक शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए जिसके बाद पथराव होने लगा जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर पथराव करते दिखे। उस वीडियो में एक कार में कई लोग सवार नजर आए जो हंगामा और पथराव होता देख गाड़ी छोड़कर भागते दिखे। इस घटना का जो दूसरा वीडियो सामने आया उसमें एक कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। कोई उस कार पर डंडे बरसाता दिखा तो कोई पथराव करता दिखा। वहां से सामने आए एक और वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई जो पथराव करती दिखी और वहां हालात ऐसे हो गए कि गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और बताया गया कि जिस शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ उसमें शामिल कई गाड़ियों को नाराज लोगों ने निशाना बनाया और वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां धू धू कर जलती दिखाई दी। आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ जिसके बाद एक पक्ष ने उस शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी। वहां हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की। हर तरफ पुलिस मौजूद है और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिसके बाद भारी तादाद में उस इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया जो सड़क पर पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ती दिखी। वहीं अचानक हुए इस बवाल ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। तो नूह में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद हरियाणा में तनाव है। उधर नूह में हिंसा के दौरान कुछ लोग मंदिर में भी फंस गए थे जिसके बाद उनके परिवार की चिंता बढ़ गई। हालांकि जल्द ही पुलिस ने मंदिर में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जो लोग मंदिर के अंदर फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। करीब 5 बसों में उन लोगों को यहां से निकाल करके ले जाया गया है और सोहना की तरफ उनको ले जाया गया है। उधर नूह में हुई हिंसा के बाद बहादुरगढ़ हांसी में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। हांसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही हांसी विधायक विनोद भयाना से मिलने की भी मांग की जिसके बाद विनोद भयाना मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने। उसके बाद विधायक विनोद भयाना ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से उनकी बात करवाई। अनिल विज ने उन्हें जानकारी दी कि जो भी लोग नूह में फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी मान गए। और उधर रेवाड़ी बहादुरगढ़ हांसी सोना में भी तनावपूर्ण हालात हैं। सोना में 2 गुटों के बीच बवाल हुआ है। वहां पर पत्थरबाजी और वाहनों में आगजनी की गई है। सोना के बाईपास और अंबेडकर चौक पर 2 पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। करीब 2 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। कुछ लोग छत से, कुछ लोग सड़क से एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। उधर 2 लोगों को गोली लगने की भी खबर है। सीधी फायरिंग आई और मेरे पैर में गोली लगी, मैं वहीं पे गिर गया। वही उपद्रवियों ने 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया जिसके बाद गाड़ियां जलने लगी। हिंसा की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू में किए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने के लिए सीमा हैदर ने ढाल की तरह अपने बच्चों का इस्तेमाल किया जबकि सीमा का दावा है कि वो सचिन